बुलंदशहर में भाजपा विधायक के द्वारा ब्राह्मणों पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण महासभा ने प्रदर्शन किया। बुलंदशहर में भाजपा विधायक के खिलाफ ब्राह्मण समर्पित ब्राह्मण महासभा का प्रदर्शन। हाथों में बैनर झंडा लेकर ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। विधायक सीपी सिंह पर ब्राह्मण और भगवान परशुराम पर अमर्यादित शब्द इस्तेमाल करने का आरोप। कलेक्टर गेट पर किया गया भाजपा विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। बुलंदशहर के डिवाई विधानसभा से भाजपा विधायक हैं सीपी सिंह। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। मैं आचार्य भरतभाई राज्य श्रमण प्रतिष्ठित संगठन मंत्री हूं और मैं आज यहां पर आया। जिन्होंने सीपी सिंह जो विधायक हैं हमारे वर्तमान जो विधायक डिवाई विधायक हैं, उन्होंने जो ब्राह्मणों पे भगवान परशुराम का जो अपमान किया, आपत्तिजनक जो टिप्पणी की है और नारी शक्ति की जो टिप्पणी की है, मैं उनके लिए एक चेतावनी देता हूँ। जो मैं कहता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। विधायक जी, अपने दिमाग से वो गंदगी का जो कीड़ा है ना, वो निकाल दें पहले। तो आज शासन प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करता है। केवल 36 घंटे दिए गए हैं, 36 घंटे के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो 14 तारीख को राजघाट में उनके आवास का घेराव करने के लिए समस्त ये समाज आएगा। उसकी भी जिम्मेदारी केवल शासन प्रशासन की होगी, ना कि समाज की होगी। वीडियो ऐसे माफी नहीं मांगी जाती है। जैसे उन्होंने भरे मंच पर, आज भी रामलीला हो रही है डिबाई में, भरे उसी मंच पर जाएं और जाकर के सभी ब्राह्मण समाज को बुला करके वहां से कहें कि मैं माफी मांगना चाहता हूं। ये ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ब्राह्मण माफ करेगा, जरूर करेगा। माफी नहीं मांगी तो 14 तारीख को उनके आवास का घेराव करने के लिए ये सर्व समाज जाएगा। और वहाँ पर जब हमने जो उपमुख्यमंत्री शर्मा के आवास का ताला लगा दिया, जो सत्ता में रहते हुए जब वहीं नहीं चूके तो यहाँ भी नहीं चूकने वाले। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन संबोधन है हमारा विधानसभा अध्यक्ष लखनऊ और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। ये मामला है डिवाई में रामलीला मंच से, सार्वजनिक मंच से, धार्मिक मंच से डिवाई विधायक चंद्रपाल सिंह द्वारा ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करना, भगवान परशुराम पे अभद्र टिप्पणी करना और नारी शक्ति की तुलना आसुरी शक्ति सुपर्णखा से करना, इस संदर्भ में हमने आज ज्ञापन दिया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरे जिले को बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ डिबाई का विधायक चंद्रपाल क्षेत्र में दलाली, क्षेत्र में खनन का काम, भूमाफियाओं पे उगाही और जितने लोग वहाँ प्लाटिंग कर रहे हैं उनसे 10% विधायक का बना हुआ है। आपसे अनुरोध है हमारा कि ऐसे दलाल विधायक के खिलाफ हम लोग आज यहाँ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है, हमने इसमें लिख दिया नोट में कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ धरने पर बैठेंगे, विधायक के आवास का घेराव करेंगे और बहुत जल्दी MLA MP कोर्ट में ये मामला दर्ज कराया जाएगा। कलेक्टर साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने केवल आश्वासन ही दिया है और उनके हाव भाव से लग रहा है कि वो कुछ नहीं करेंगे। उनके हाव भाव से ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि वो कुछ नहीं करेंगे, उनके बस में कुछ नहीं है।